पहुंच गया हूं मैं। मैं घर पर था, तुम जल्दी से पहुंच जाओ यहाँ। हाँ। बातें मत करो, तुम जल्दी से पहुंचो यहाँ। हाँ। ओके जा रहा हूँ, तुम जल्दी पहुंचो। ओके सी यू। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुश्किल से निकाल मुझे। चलो मलिक। गुड इवनिंग है ना इस तरफ। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं सीमा साहिबा, कोई दर्द या तकलीफ वगैरह तो नहीं? अब काफी बेहतर हूँ मैं, दर्द भी नहीं हो रहा मुझे। लेकिन अनवर को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो ठीक है, आप परेशान मत हो, बस हमें उनके कुछ टेस्ट वगैरह करने होंगे अपनी तसल्ली के लिए। यकीन करें अगर आप लोग हमें वहाँ ना मिलते तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। मैं ठीक तो हूँ डॉक्टर, बस सर में थोड़ा दर्द है, बाकी तो सब ठीक है। एक्चुअली आपके सर पे चोट लगी थी इसलिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। मैं कह रहा हूँ ना डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं गुस्से में अक्सर अपना सर दीवार में मारता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता। प्लीज टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। सर आज रात आपको यहीं गुजारनी पड़ेगी और मैं आपका डॉक्टर हूँ तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी आपको। कभी कभार तो इतना जिद्दी हो जाता है कि क्या बताऊँ। बिलावजह मुझे गुस्सा दिलाता है लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे को लेकर बहुत खुश है वो। हाँ वैसे अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? शुरू में तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानना चाहते थे कि बेबी है या बाबा, मगर अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। क्या मतलब, क्या आपने अब तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया? नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ चाहती है कि उसी वक्त सरप्राइज मिले। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि लड़का है या लड़की, वो इसलिए कि ये बात मैं अनवर को पहले बताना चाहती हूँ। देखिए हम आपको ये बात अकेले में नहीं बता सकते सीमा साहिबा, आपके हस्बैंड का साथ होना जरूरी है और ये उनका हक भी है। मगर आपने खुद अपनी आंखों से देखा है ना उसे। मैं मानती हूँ कि उसका हक है लेकिन कभी कभार तो मर्द हद ही कर देते हैं और आप तो समझ सकती हैं कि मेरी मजबूरी क्या है। और अगर एक औरत ही औरत की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा भला? हाँ देखिए, अगर एक आदमी आदमी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए। प्लीज डॉक्टर मेरी मदद कीजिए, मैं चाहता हूँ इस बार मर्दों की जीत हो। ठीक है, सही कहा, एक औरत ही औरत की मदद कर सकती है। ठीक है, क्या हुआ नैना खैरियत? ये इस वक्त तुम लेबोरेटरी किस काम के लिए जा रही हो? वो क्या है, मैंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे, बस उन्हीं की रिपोर्ट्स लेने जा रही थी लैब की तरफ। और तुम? कुछ खास नहीं, मैं भी बस कुछ रिपोर्ट्स लेने जा रहा। नैना, हाँ? मैं ये जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, तुम सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए आई हो कि उनके यहाँ बेटा होगा या बेटी। ठीक कहा ना? आप भी यहाँ यही चेक करने आए हैं, मैं भी ये जानती हूँ। हाँ? पागल हो गई क्या? और हाँ तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, समझ में आई तुम्हें? रुको नैना, ऐसा हाथ मत लगाओ वरना मसला हो जाए। यार एक तो तुम हमेशा सारे काम खराब करती। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने जो भी कुछ कहा उसके लिए माजरा चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ यार, मैंने सीमा से वादा किया है कि उसे पता करके बताऊंगी। और एक और बात, तुम्हें भी मुझसे झूठ बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब?
अब तुम क्या चाह रही हो मुझसे? हाँ, अनवर ने मुझसे कहा पता करो तो मैं और क्या करता आगे से, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता जा रहा, अजीब और गरीब बच्चों जैसी हरकतें करना, ऐसे छुप छुप कर आना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। मुझ पर सारा इल्जाम डालने की कोशिश मत करो हमेशा की तरह, समझे तुम? चलो छोड़ो, इस बार हम दोनों की ही गलती है जो कि सही भी है। सही कह रही हो। हाँ, अब इस खुशी में क्या किया जाए बताओ मुझे, सब छोड़ो उन्हें क्या बताएंगे। हाँ चलो आओ, अब चले यहाँ से, जल्दी जल्दी आओ। तुम्हारी टांग का दर्द कैसा है? हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत दर्द है। वैसे सारी अफरा तफरी में मैं तो अपने दर्द के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। क्या दिन था वो भी, बेचारी उरुसा का सारा प्लान खराब हो गया। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। खैर मुझे कोई हैरानी नहीं इस बात पे। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे साथ होती हो तो किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। लेकिन वो क्विक बाइक वाला मसला, उसमें तो मेरा सच में कोई कसूर नहीं। क्विक बाइक नहीं बल्कि क्वाड बाइक थी। एक मिनट एक मिनट, ये सच में मेरा कसूर नहीं था, क्या मतलब? वो यानी सच से मेरा मतलब है कि वो मैं बाइक के सिर्फ ब्रेक और पेडल्स वगैरह देख रही थी और कुछ नहीं। नैना वो कोई गाड़ी नहीं थी। वही तो कह रही हूँ कि वो गाड़ी नहीं बाइक थी, या तो फिर गाड़ी और बाइक के दरमियान की कोई चीज थी। मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल। वो एक बाइक थी, चार पहियों वाली बाइक, समझ में आई तुम्हें? और उसका ब्रेक हैंडल में होता। ठीक है मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं शायद ठीक से समझ नहीं पाई। उफ नैना उफ, मैं तुम्हें उठाकर चलता रहा जिससे मेरी कमर का सत्यानाश हो, और उस पर तुम्हारी मुसलसल पटर पटर चलती जबान, और उस बेचारे आदमी को फालतू में सुनाया। हाँ सही, वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि तुमने उसके साथ कितनी बदतमीजी की है यार। नैना चुप हो जाओ, नैना चुप हो जाओ, वरना यही मैं तुम्हारा गला दबा दूं। सिनान कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। यार लगता है मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया, बेचारा मुझे पूरे रास्ते अपनी पीठ पर उठाकर चलता रहा। तुम जानते हो ना कि मुझे उस बच्चे और उसकी माँ के लिए कितनी खुशी है। हाँ बिल्कुल। मेरा घर आ गया। हाँ बिल्कुल पहुंच गए। तुम एक बहुत अच्छी माँ साबित होगी। क्या? बहुत अच्छी माँ बनोगी एक दिन। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? यकीन करो बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। यानी तुम बेबी के साथ ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल उसकी माँ हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही थी। ओ फाजिल कितनी बातें बनानी आती है तुम्हें। अच्छा बस ठीक है, यूं ही कह रहा हूँ ना। हेलो हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या? ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। ठीक है मैं उसका ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो। बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय। क्या हुआ? वो असल में एक एक्सीडेंट हो गया है, सिनान और नैना हॉस्पिटल। क्या? मेरा मतलब है कि एक कपल का एक्सीडेंट हो गया है और उन दोनों ने उसकी मदद की है, और वो मेरे दादा जान है ना, और उनकी मुकद्दस से लड़ाई हो गई और वो मुकद्दस से शादी नहीं करना चाहते हैं। अरे यार, और बाजिल अब मुझे दादा जान का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ठीक है ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, बाय। चलो अब मैं चलती हूँ। ओके सी यू। अपना ख्याल रखना। मलिक मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, कुछ खा भी नहीं पा रही, देखो मेरे हाथ किस तरह कपकपा रहे हैं। मेरा भी यही हाल है, मैं भी कपकपा रहा हूँ। ठीक है ना, बैठ जाओ। हाय मलिक, तुम जानते हो जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने बाहर मिलने का कहा है, मैं किस तरह इनकार कर सकती थी, तुम ही बताओ मुझे। तो मुझसे पहले कोई नहीं मिला तुम्हें? हाँ छोड़ो जाने भी दो ना मलिक, माजी को भूल जाओ,
आज हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। क्यों? मलिक, तुम्हें कितनी बार कहा है, समझ नहीं आती क्या? मना किया था ना तुम्हें इसके साथ घूमने फिरने को, फिर इसके साथ बैठे हुए हो। यहाँ जैसा तुम समझ रही हो, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रही हो हमें। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मलिक, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे दूर नहीं भाग सकते। जहन्नुम में भी छुप जाओ तो ढूंढ लूंगी तुम्हें। मलिक, मलिक जान, मलिक डियर, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ देखो कितने कांप रहे हैं। बताओ ना इसे मलिक। हेलो डियर, ये बीवी है मेरी, मगर हम साथ ही रहते हैं। क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? ये तुम्हारी बीवी है? हाँ बिल्कुल, हाँ हम शादीशुदा हैं, और इसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ मैं। इसलिए अब दोबारा से हम एक हो जाएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे बाबा तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे तुमसे नफरत है मलिक, मैंने तुम पे भरोसा किया था। ना? मैं जा रही हूँ मलिक, और मेरी बद्दुआ है कि तुम जिंदगी भर तड़पते रहोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। ना, मत जाओ, प्लीज, मत जाओ, प्लीज ना, प्लीज ना, मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, प्लीज मत जाओ। थूकती हूँ मैं तुम पर, बाहर में जाओ। थू थू थू, बदतमीज, थू। ना बात सुनो मेरी, प्लीज रुक जाओ, जल्दी जाओ। चली गई। आइडिया तो काम आ गया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा चली, फिर करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वेटर, कितनी खामोशी है ना यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है ये पुरसुकून माहौल। पुरसुकून यानी पूरे दिन की थकन के बाद हम दोनों का एक साथ यहाँ बैठना, इस पुरसुकून माहौल में कितना अच्छा लग रहा है ना। बात तो ठीक है तुम्हारी। तुम्हें याद है जब हम दोनों की पहली मुलाकात हॉस्पिटल के कैफे में हुई थी? मैं वो दिन आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मेरा मतलब एक खूबसूरत याद है वो मेरी। हाँ याद है मुझे, उस वक्त हाई स्कूल में थे हम। ओए डॉक्टर, एक मिनट यहाँ आएंगे प्लीज, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? जी बहुत जरूरी है, जल्दी आए। बस एक मिनट, मैं भी आया। ठीक है। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? दरअसल बात यह है डॉक्टर, बात यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कुछ आपने मेरे लिए किया। आप मुझे अपनी पीठ पर उठाकर इतनी दूर तक चलते रहे, बस उसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, शायद कोई और भी होता तो यही सब कुछ करता जो मैंने किया। अच्छा अब मैं जाऊँ, वो मेरा वेट कर रही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सिनान, तुमने मेरी इतनी मदद की तो मैं भी चाहती हूँ कि कुछ करूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर मैं इस वक्त तुमसे कुछ भी करने को कहूंगा तो तुम वो फौरन करोगी और मना भी नहीं करोगी, राइट? सो डील डन? वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं, ऑफर तुमने ही दी थी मुझे, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। डील? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। क्या मैंने इससे कुछ गलत बात कह दी? क्या जरूरी बात करनी थी उसे? कुछ खास नहीं, बस वो एक मरीज के बारे में थी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ मैं ये कह रही थी कि हमारी पहली मुलाकात ऐसे ही किसी हॉस्पिटल के कैफे में हुई थी,
हम दोनों के बीच सब कुछ कितना अच्छा था ना। कितना अच्छा दिन था ना। हाँ वाकई। खैर मैंने तुमसे कहा था ना मैं टेंगो डांसर बनूंगी, सो आई एम। मैंने बाहर जाके डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। ज्यादा माहिर तो नहीं हूँ मगर उतना बुरा नहीं करती अब। नाइस, दैट्स वंडरफुल। और देखो मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और आज डॉक्टर बनके तुम्हारे सामने बैठा। यानी कि तुम अपने इरादे के पक्के निकले। मेरे बारे में तुमसे बेहतर कौन जानता है। वैसे मैं एक डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि परफॉर्मेंस के टाइम तुम वहाँ मौजूद हो। अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत। मेरा मतलब तुम्हारे वहाँ होने से मेरा हौसला खुलेगा और एजाज की बात होगी मेरे लिए। आओगे ना सिनान। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ ठीक सही कह रही हैं। मैं अपने दादा जान को जानती हूँ। उनको जब गुस्सा आता है तो वो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। आप प्लीज मुकद्दस बुरा ना माने। देखें जो भी नाराजगी उसको खत्म कर दें और वापस इनके पास आ जाएं। बहुत शुक्रिया कि आपने इन्हें माफ कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। आप जानती नहीं है कि आपने मुझे कितनी खुशी दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ठीक है आप बिल्कुल फिक्र मत करें मैं सब कुछ संभालूंगा। हाँ बिल्कुल एक बार फिर से शुक्रिया। चले आप अपना ख्याल रखिएगा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो जानती नहीं मैं भी फाजिल पाशा हूँ। उसे तो अंदाजा ही नहीं एक छोटी सी भूल की वजह से उसने कितने अच्छे इंसान को गवा दिया है। हद है यार मैं भी एक आदमी हूँ और सभी आदमी हर किसी पर नजर डालते हैं। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। प्लीज दादा जान अब बस भी करें। फैसला हो चुका अब मैं शादी नहीं करूंगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे सही औरत से नहीं मिलवाया वरना अब तक बात बन चुकी होती। बस बहुत हो गया। तुम ही ने जादू किया था ना मुझ पर। ओ गॉड अब प्लीज आप ही मेरी मदद करें। दादा जान अब फिर से मत शुरू हो जाएगा। मान लें कि आप ही की गलती है और मैंने सब पे मुकद्दस से बात कर ली है। मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मेरे साथ ये खेल खेल रही हो ना। हमारी शादी को कितने साल हो गए एक बार भी तुमने मुस्कुराकर मेरी तरफ नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दादा जान मैं आपकी पोती आयला हूँ कि क्यों नहीं समझते आप। अब आप देखिए सब समझ गई हूं मैं। अब आप शादी नहीं करेंगे मेरी मर्जी के खिलाफ। आप कुछ भी नहीं करेंगे। क्या मतलब है आखिर तुम्हारा। मैं शादी क्यों नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं करेंगे आप। तो फिर देख लेना तुम भी मैं शादी जरूर करूंगा करके दिखाऊंगा तुम्हें शादी। ब्रेक कहाँ है। ये मुझसे रुक क्यों नहीं रही। ब्रेक कहाँ है। ये नहीं रुक रही अब मैं क्या करूँ यार। बस अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता। क्या ख्वाब देख रही थी मैं अब। जी हाँ आप ख्वाब देख रही थी और मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। वो दरअसल काफी थक गई थी कामों की वजह से इसलिए पता ही नहीं चला कि कब सो गई मैं यहाँ पर। खैर कैसा महसूस कर रही हैं बाप सीमा। जी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ पहले से काफी ज्यादा। लगता है आप बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्या जो मैंने कहा था पता चल गया आपको। क्या क्या पता चला होगा। यही कि एक औरत ही औरत की मदद कर सकती है। मैंने आपसे कहा था ना पता करके बता दें कि लड़का है या लड़की। याद आया आपको। याद आ गया मुझे सीमा साहिबा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम। वो हुआ कुछ यूं था कि कल मुझे दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट काम थे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए मैं आज पता करके बता दूंगी आपको। मेरी मजबूरी को समझिए डॉक्टर मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है आप फिक्र मत करिए सीमा साहिबा मैं हूँ ना। यकीन कीजिए अगर आप ना होती तो न जाने मैं क्या करती। अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम नैना रखूंगी क्योंकि बहुत प्यारा नाम है आपका। हाय क्या वाकई में। हाँ सच कह रही हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर अनवर कैसा महसूस कर रहे हैं आप। बाबा जो बनने वाले हैं जल्द। हाँ बाबा क्या मतलब है डॉक्टर आपका। हाँ आज आपकी बीवी माँ जो बनने वाली है। एक्सक्यूज मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है डॉक्टर। हॉस्पिटल में शायद आजकल काम ज्यादा होगा उसी की स्ट्रेस की वजह से आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं।
अच्छा मैं थोड़ी देर बाद आके बात करता हूँ आपसे। हाँ हाँ आराम से आइएगा, कोई टेंशन नहीं। नैना एक मसला हो गया। क्या हो गया? मेरे साथ आओ। क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं ये। हाँ लग तो नॉर्मल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं इस वक्त, क्योंकि जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि इसकी याददाश्त चली गई, क्योंकि ये अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से इसकी याददाश्त चली गई है। क्या? ठीक कह रहा हूँ ना, इसे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ही याद है। अब मैं सीमा साहब को क्या बताऊंगी? मैं तो उन्हें सुबह से कह रही हूँ कि आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। ओह गॉड, मुझे क्या हुआ है? ठीक तो हूँ मैं, हल्का सा जो सर में दर्द था वो भी ठीक हो गया है बिल्कुल। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। एक मिनट मिस्टर अनवर, सुमैया ने लेटा था, हमें आपके कुछ और टेस्ट करने होंगे ये पता लगाने के लिए कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। कहा तो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें बस कुछ और टेस्ट भी करने होंगे। इसकी याददाश्त वक्ती तौर पर गई है और कुछ पता नहीं कि कब तक आएगी। इसकी याददाश्त हमें वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे ख्याल से हमें इसे कोई शॉक देना चाहिए ताकि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। तुम क्या कहती हो इस बारे में? अल्लाह जाने अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह वेलकम मुकद्दस, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आइए अंदर आइए। दादा भी अंदर तैयार हो रहे हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, कल तो तुम्हारे दादा ने सारी हदें पार कर दी, मेरा बीपी हाई कर दिया कि मुझे गोलियां खानी पड़ी। खुशामदीद मेरी बुलबुल मुकद्दस, हमेशा की तरह बहुत हसीन लग रही हो तुम। रहने दो, इन लफ्जों की कोई जरूरत नहीं है मुझे, जो हुआ जाने दो। अगर तुम मुझे कॉल करके मेरी मिन्नत समाजत ना करते तो मैं इस घर में कभी कदम ना रखती, चाहे कुछ भी हो जाता। असल में तो तुम्हें अपनी इस पोती का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से मैंने अपना इरादा बदल दिया, वरना तो मैं अपनी शक्ल से तरसा देती तुम्हें। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ भूल जाए, छोड़े पुरानी बातें। मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप दोनों आपस में बातें कर लें। मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि लेट हो रहा है। और हाँ चाय किचन में तैयार रखिए, आप पी लीजिएगा। थैंक यू आयला, वरना तुम्हारे दादा जान को तो मेरा एहसास ही नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय, सी यू सून। हेलो साधिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं भी। एक बात पूछनी थी तुमसे, अगर आज शाम तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें वो दरअसल एक पार्टी में लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो शाम में मिलते हैं फिर। ओके सी यू। सीमा साहिबा, तो कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? कुछ हुआ है? नहीं तो कुछ भी नहीं, हम तो बस आपको यहाँ पे चेकअप करने आए थे। वैसे सीमा साहिबा, आप तो जानती हैं कि आजकल का मौसम कैसा है, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर नैना, आप इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही हैं? अरे वो कहीं अनमेर को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं। सीमा साहिबा बिना वजह में परेशान हो रही हैं। आपके हस्बैंड तो एकदम ठीक है, बिल्कुल फिट फाट है, मजे में है, हम उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अभी उससे मिलना है, प्लीज आप मेरे हस्बैंड से मुझे मिलवा दीजिए। प्लीज आप रिलैक्स रहें, आपको आराम की जरूरत है, जैसी आपकी तबीयत है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। और आपके शौहर बिल्कुल ठीक है, बस उनकी तबीयत सर में दर्द है और बस कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मतलब वो काफी बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। सब ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, वो आपने डॉक्टर सिन्हा को देखा? नहीं। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी, क्या आपने डॉक्टर सुनान को देखा है? मुझे नहीं मालूम। थैंक यू। क्या आपको मालूम है डॉक्टर सुनान कहाँ होंगे? नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। थैंक यू, गेट वेल सून अंकल। वैसे सूप बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया बेटा। यकीन कीजिए कुछ नहीं हुआ, बस आप रिलैक्स रहें। आप परेशान ना हो, आराम से रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बात पे यकीन। एक बार मिलवा दें मुझे। ठीक है सिनान। अनवर, मेरी जान। मेरी जान? क्या मतलब? आपने मुझे कहा? कितनी गलत बात है अनवर साहब, मैंने आपसे कहा था कि बेड से बिल्कुल मत उठिएगा, लेकिन आप फिर भी यहाँ चलकर आ गए। डॉक्टर की बात माना करते हैं, आप अपने बेड पर चलिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस बार आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। चलिए, मैं आपको आपके बेड तक ले जाती हूँ। वो डॉक्टर, क्या हुआ है उसे? कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ, हालत देखिए उसकी। हाँ, आपने देखा तो सही, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने उनके कुछ टेस्ट करवाने थे, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, और कुछ भी नहीं। उन्हें बस थोड़े आराम की जरूरत है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्यों सुमैया, ठीक कहा ना मैंने? जी जी, बिल्कुल ठीक है, वो परेशानी की कोई बात नहीं है, बस उन्हें आराम की जरूरत है। नर्स सुमैया, आप इनका थोड़ी देर के लिए ख्याल रखें, जब तक मैं नैना के साथ इनके हस्बैंड को देख कर आता हूं। ओके, मैं देखती हूं। सच बताइए, कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज आप उन्हें समझने की कोशिश करें, आप तो जानते ही हैं कि वो इस वक्त किस हालत में है। दरअसल वो सीमा साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहतर महसूस नहीं कर रही, और ऊपर से आपने उन्हें बेचारी, और सीमा साहिबा के शौहर यहाँ मौजूद नहीं, बस यही वजह है कि वो इसलिए थोड़ा उदास रहती है। आई थिंक उनके शौहर की शक्ल आपसे काफी मिलती होगी, तभी वो आपको देखकर इस तरह मुखातिब हुई आपसे। अगर आप हमारा थोड़ा साथ दें तो एक छोटा सा ड्रामा करना है। हाँ, अगर आप हमारी मदद कर दें तो हम मिलकर एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं, है ना डॉक्टर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके शौहर यहाँ नहीं है, बस इसीलिए वो थोड़ी उदास हैं, और मेरे ख्याल से उनके शौहर आपसे मिलते जुलते हैं, और शायद इसीलिए जब उन्होंने आपको देखा तो उन्हें अपने शौहर की याद आ गई। मैं समझ सकता हूँ, इस नेक काम में हर इंसान आपका साथ देगा, तो मुझे बताइए कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। ठीक है, फिर हम लोग अंदर चलते हैं, आइए। ये देखें, आ गए वो। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। मुझे हमारे डॉक्टर पे पूरा भरोसा है, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन नहीं है टेंशन लेने वाली। ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने पेट में हवा भरी हुई है, बलून हो गया फूल के लिए। देखो मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ चले, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब वैसे भी बेबी आने वाला है, तो आप दोनों को सख्त आराम की जरूरत है, और आप दोनों मुझे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप यहाँ आराम से रहें, आपको आराम। जी बिल्कुल, आप ही रहिएगा। चले आप अपने रूम। ठीक है ठीक है सीमा साहिबा, आपको आराम की जरूरत है, अब आप लेट जाए प्लीज, आराम करें। चले शाबाश। क्या वो औरत वाकई प्रेग्नेंट है डॉक्टर? अरे लेट जाए ना सीमा साहिबा, अगर आप ऐसी करती रहेंगी तो कैसे चलेगा? बेबी की खातिर लेट जाए सीमा साहिबा, ठीक है? हेलो एक्सक्यूज मी। जी मैडम कहिए। अहमद टैलन का वार्ड नंबर कौन सा है? मैं उनकी बहन हूँ। अहमद टैलन जी, अभी बताता हूँ मैं आपको। वो उनका कमरा नंबर 15 है, आप यहाँ से सीधी चली जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दूं शादीशुदा नहीं हूँ मैं, और इसलिए खुश हूँ मैं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे इसे क्या हो गया मालिक? आज मैं बहुत खुश हूँ आयला। क्या मालिक, आपने डॉक्टर सिनान को देखा? जी बिल्कुल, वो कल रात से हॉस्पिटल में ही है। मेरा मतलब डॉक्टर नैना और डॉक्टर सीना। कल रात एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसी जोड़े के साथ आए हैं। ठीक है। डॉक्टर आयला, वो एक खातून है ना जिन्होंने आज ज्वाइन किया था, उनका नाम क्या था? दिलान। हाँ हाँ दिलान, वो काफी मेहनती खातून है यार। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, लेकिन थैंक्स। कोई बात नहीं यार। अरे हाँ, आज रात के बारे में कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। वो आज रात मेरे साथ कोई और भी आएगा, मेरी नेबर है सादिया। क्यों नहीं मुराद, जरूर। वैसे आज रात पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। डॉक्टर मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कुंवारा हूँ मैं, मुझे तो अभी अपनी शादी का मतलब ही हल करना है। अच्छा, गुड लक। अच्छे इंसान है डॉक्टर बुरार। (Gülüyor)
आयला। हाँ? कैसी हो डॉक्टर? मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुराद ने अभी मुझे बताया है कि उसने उस औरत को जॉब पर रख लिया है और उसको उसका काम भी बहुत पसंद आया। ये न्यूज़ सुनकर सर का बोझ हल्का हो गया। मैंने प्रॉमिस तो कर लिया था जॉब के लिए, लेकिन मालूम नहीं था कि वो रखेंगे भी या नहीं। लेकिन मुराद तो मैं किसी सूरत मना नहीं करता। जानता हूँ, लेकिन फिर भी फेवर लेना पसंद नहीं मुझे। हाँ। खैर, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ जाना है, हम बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। और हाँ बाज़िल, आज रात तुम जानते हो ना क्या है, तैयार हो ना तुम उसके लिए। अरे मोहतरमा, आप इसके लिए परेशान नहीं हो, मैं तैयार हूँ। ओह दैट्स वेरी गुड, चलो फिर मिलते हैं। ओके ठीक है, सी यू। हाँ तो कैसी तबीयत है इनकी? ठीक है, मगर याददाश्त अभी तक नहीं आई, शायद कुछ वक्त और लग जाए। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनकी याददाश्त कैसे वापस लाए। वो आपके शोल्डर पर क्या है? ये आप क्या कर रही हैं डॉक्टर? आपने तो डरा ही दिया था मुझे। अच्छा, आपकी वाइफ का नाम क्या है? वाइफ? हाँ। नैना, ये तुम क्या कर रही? हाँ? मुझे लगा कि ऐसा करने से इनकी याददाश्त वापस आ जाए शायद। तो मेडिकल की तालीम के दौरान तुमने यही सब कुछ सीखा, क्या बात है, वाह। सिनान, कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, आप तो अपने साथ रोशनी की नई किरणें लाई हैं। तो देखा तुमने, ऐसा हो, कुछ भी नहीं बदला। उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाएंगे, अब मैं चलती हूँ। एक सेकंड, आपने अपना नाम नहीं बताया। डॉक्टर आयला नाम है, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दुनिया की हसीन तरीन डॉक्टर हैं, तो आप रुक जाएंगी मेरे लिए क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा शौहर मेरे सामने किसी गैर औरत की तारीफ कर रहा है। शर्म करो अनवर, तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, शर्म आनी चाहिए अनवर तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरे सामने यहाँ। सीमा साहिबा, प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, आपको कुछ नहीं होगा, देखिए लंबी लंबी सांसें लें ऐसे। ये औरत बार बार मुझे अपना शौहर क्यों कह रही है आखिर? डॉक्टर सर, आप प्लीज देख लीजिए, इनकी तबीयत खराब हो रही है, हमें इन्हें फौरन लेबर रूम में लेके जाना। हां तो ठीक है, डॉक्टर सर, आप कुछ संभालें, आप बड़ी लंबी लंबी सांसें लेती रहे, रिलैक्स रहे सीमा साहब, रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होगा, देखिए आप सांसें लेते रहे ऐसे, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, चलिए प्लीज बैठिए, रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होगा, आराम से, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है, हौसला रखिए, आराम से। ये क्या मजाक है यार? सुमैया, मैंने तुम्हें डॉक्टर को फोन करने का कहा था, क्या हुआ? जी कर दिया था मैंने, दोबारा करती हूँ। रिलैक्स हो जाए सीमा साहिबा। आप प्लीज रिलैक्स, गहरी गहरी सांसें लें, गहरी गहरी, आराम से, रिलैक्स। प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। यार अनवर साहब, आपकी बीवी वहाँ लेबर रूम में और आप यहाँ पे फोन पर लगे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, जरा सा भी एहसास है उनका? चलिए उठे, अब आपको ही करना है सब कुछ। मुझे? मगर क्यों? आपको शायद गलत फहमी हो रही है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फाइनली मेरे काम खत्म हो गए, तुम बताओ फ्री हो? नहीं बाज़िल, मेरा तो अभी काफी काम बाकी है और साथ ही दादा की भी टेंशन है। चलिए मैं चलती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। गेट वेल सून। आपका भी शुक्रिया। दादा की फिक्र नहीं किया करो, मैं हूँ ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है जब तुम इस तरह की बातें करते हो, काश मैं यहाँ से जल्दी फ्री हो सकूं। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखूंगा। ये हुई ना बात बाज़िल, बाय। ठीक है। हम तो आपको लेकर बहुत परेशान हो गए थे, हमें लगा आपकी याददाश्त फिर चली गई। हर चीज का क्रेडिट आप लोगों को जाता है, थैंक यू सो मच, सिर्फ आप लोगों की वजह से ये खुशी देख पा रहे हैं आज। आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं, बहुत किया है आप लोगों ने हमारे लिए। और आपको मालूम है मैंने डिसाइड किया है मैं अपनी बेटी का नाम नैना रखूंगी, क्योंकि आपका नाम आपकी तरह बहुत ही प्यारा है। क्या सच कह रही हैं आप? मुझसे मुतासिर होकर आप अपनी बच्ची का नाम नैना रखेंगी? आपने तो खुश कर दिया मुझे। एक मिनट, आर यू श्योर कि आप लोग ये नाम रखने वाले? क्योंकि ये शक्ल से दिखने में अच्छी लगती है लेकिन इतनी अच्छी है नहीं, और मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार फिर सोच लें अच्छी तरह, क्योंकि ये किसी चलती फिरती टाइम बॉम्ब से कम नहीं। यार सिनान, नैना देखो अभी कुछ मत बोलना, देखिए मैं तो बस आपकी बेटी के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो रहा था। तुमने तो हद कर दिया सिनान, तुम देख लेना ये नन्ही सी नैना भी बिल्कुल मेरी जैसी होगी, परी जैसी, समझे तुम? ठीक है, मगर अल्लाह करे अकल में इस जैसी ना हो। हाँ
बाजी ये बताओ दादा जान कैसे हैं? दादा की फिक्र नहीं। अच्छा मेरा ड्रेस ले आए हो ना, वरना मैं कैसे तैयार होंगी। देखो मैं नहीं चाहती कि कोई मसला, और मुकद्दस का ड्रेस भी ले आए ना, भूले तो नहीं। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाजिल, तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होता। अच्छा मैं यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करती हूँ और फिर पहुँचती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बेबी की डिलीवरी हो गई और उसके बाबा की याददाश्त भी वापस आ गई। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, सब इतना खुश हैं कि मैं क्या बताऊं। माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी खबर है ये। और हाँ मालूम है उन्होंने बेबी का नाम नैना के नाम पे रखा। तुम सच कह रही हो? हाँ वाकई यार। सुमैया मेरी भी ये ख्वाहिश है कोई अपने बच्चे का नाम मलिक रख दे, यानी मेरे नाम पर रख दे यार। की 21वीं सदी है और तुम्हारा नाम कदीम जमाने का, आजकल ये नाम कोई नहीं रखता। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक बात बताएंगी, वो जो सामने खड़ी है क्या वो मलिक की साबिका बीवी है? कौन? वो नर्स जो सामने खड़ी है? अरे नहीं भाई। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा मलिक, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ।